अभी हम इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है रिफ्लेक्शन, जैसा कि नाम भी है इस चैप्टर का, वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिफ्लेक्शन को आपने डिफाइन कैसे करना है। जैसे यहाँ से कोई रे आ रही है, यहाँ पर ऊपर एक LED बल्ब लगा हुआ है, वहाँ से कोई रे आती है, वो इस वाइट बोर्ड पे इंसिडेंट होती है, इस वाइट बोर्ड के साथ स्ट्राइक करती है, टकराती है, उसके बाद वो कहाँ जाएगी, आप बता सकते हैं वो कहाँ जाएगी? वो क्या इस वाइट बोर्ड के अंदर चली जाएगी या इसी साइड में आ जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसा कि आप भी इजीली बता सकते हो कि वो इस बोर्ड पे टकराने के बाद इसी मीडियम में, यानी कि इसी तरफ वापस आ जाएगी। तो इसी फेनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। सो दिस फेनोमिना इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, अगर कोई दीवार है, दीवार से भी लाइट टकरा के वापस आती है, लेकिन होता क्या है कि जितना अमाउंट किसी बिल्कुल प्लेन और ब्राइट सरफेस से टकरा कर वापस आता है लाइट का, वो ज़्यादा होता है बजाय कि किसी दीवार से टकरा के आने से। क्योंकि दीवार का जो सरफेस है, वॉल का जो सरफेस है, आउटर जो साइड है दीवार की, वो कैसी होती है, वो रफ़ होती है। आप उसको टच करके देखोगे तो बिल्कुल रफ़ होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम रिफ्लेक्शन स्टडी करेंगे तो उसके लिए हम एक स्मूथ सरफेस मानते हैं। जैसे कोई मिरर होता है, मिरर आपने बहुत सारे देखे होंगे, उसकी एक साइड में क्या होता है, कोटिंग होती है, पॉलिश होता है, और दूसरे साइड में उसकी बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, तो वो ब्राइट दिखने लगती है। क्यों करते हैं हम उसकी कोटिंग, क्योंकि मान लो कोई ग्लास ले लिया हमने, शीशा ले लिया कोई भी, तो उसको अगर हम उसके सामने जाके खड़े होंगे तो उस शीशे के आर पार लाइट चली जाती है, ट्रांसपेरेंट होता है वो, तो ट्रांसपेरेंट होने के कारण उसके आर पार लाइट चली गई तो हमें उसके पार दिखने लग जाएगा, यानी कि लाइट हमारी तरफ वापस नहीं आएगी, रिफ्लेक्शन तो वहाँ पर हो ही नहीं रही है। तो रिफ्लेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक साइड को पॉलिश कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए मिरर लाइक दिस, आप इसको देख सकते हैं, ये इसकी बिल्कुल ब्राइट साइड है, ब्राइट साइड है। यहाँ से हम कुछ भी चीज़ देखते हैं वो हमें दिखाई देती है, अगर मैं यहाँ से अपना फेस देखना चाहूँ तो वो मुझे दिख जाएगा। तो ये एक मिरर का काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, ये इसकी अगर ब्राइट साइड है तो इसकी जो बैक साइड है इसको हमने पॉलिश कर रखा है। यहाँ पर आपको ब्लू कलर दिखेगा, यहाँ पर इसके पीछे ब्लू कलर का पेंट किया हुआ है। तो यहाँ से अगर कोई लाइट जाती है, इस पे इंसिडेंट होगी, इस पे अगर लाइट इंसिडेंट होगी इस तरह से, तो वो टकराने के बाद वापस इसी मीडियम में आ जाएगी, इस तरफ नहीं जा पाएगी। तो इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर इसको मैंने इस वाइट बोर्ड पे दिखाना हो तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, सपोज, सो नाउ वी आर स्टडिंग रिफ्लेक्शन। टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन, लेट वी ड्रा ए मिरर। ये कोई प्लेन मिरर है और इसकी जो ये डैश डैश मैंने बनाए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी पॉलिश को, यानी कि ये इस तरफ से पॉलिश है, इस तरफ इसकी ब्राइट साइड है। इस तरफ से कोई लाइट आएगी तो ये उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट उसका एब्जॉर्ब कर लेगा और रिफ्लेक्ट बहुत थोड़ा अमाउंट करेगा, इसलिए हम इस तरफ से कोई इमेज नहीं देख पाएंगे। अगर हमने इमेज देखनी है तो हमें इस तरफ से लाइट इसके ऊपर डालनी होगी, यानी कि जिस तरफ से देखना है उसके उसका जो मिरर का ये ऊपर वाला सरफेस है, ये उसकी साइड में करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है, दिस इज अ रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट होती है इस प्लेन सरफेस के ऊपर, और आफ्टर इंसिडेंट ये क्या होगी, क्या ये इस तरफ आ सकती है, नहीं आ सकती है, क्योंकि इस तरफ क्या है, पॉलिश है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस सरफेस, ये कहाँ जाएगी, ये चली जाएगी इस तरफ, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर हम इसको बता दें कि ये कैसा है, ये है मीडियम वन, और इसको मैं बता दूं कि ये है मीडियम टू, तो मीडियम वन से लाइट आई, मिरर के साथ स्ट्राइक किया, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम बैक इन द मीडियम वन, लेकिन मीडियम टू का इसमें कोई यूज नहीं हो रहा। तो इसलिए इसी फेनोमिना को, जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद वापस आ जाती है उसी मीडियम में, तो उसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्शन। सो दिस टॉपिक इज वेरी इजी। अगर हमें रिफ्लेक्शन के टाइप्स बताने हो, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन,
रिफ्लेक्शन कितनी तरह की हो सकती है, तो हम जो डेली रूटीन में भी देखते हैं और ऑब्जर्व हम इसको बहुत बार करते हैं लेकिन इसके बारे में सोचा नहीं है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन जब आप इसको एक बार पढ़ोगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो रिफ्लेक्शन होती है वो दो तरह की होती है, एक हो गई रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकेंड होती है इररेगुलर, और उसको बोल देते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी। ये दो तरह की रिफ्लेक्शन आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, 1, 2। अगर हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखानी हो तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर मैं एक मिरर बना देता हूँ, ये हो गया एक प्लेन मिरर, और यहाँ पर भी एक मिरर बना देता हूँ, तो आप नोटिस करेंगे कि दोनों ही मिरर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो आपको मिरर दिखाई देगा ये बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल स्मूथ है इसका सरफेस, लेकिन यहाँ पर जो मिरर दिखाई दे रहा है इसका सरफेस स्मूथ नहीं है, इसका सरफेस रफ है। जैसे कि हमारे रूम की दीवारें होती हैं, हमारा ये जो सरफेस होता है अर्थ का, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगी वो डिफ्यूज्ड होगी। तो अंतर क्या होगा दोनों में, डिफरेंस क्या है? अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, दिस इज़ अ रे ऑफ लाइट, Another ray of light, और ये होगी थर्ड रे ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो तीनों रे मैंने बनाई हैं, इनको हम कोलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, इनको कोलेक्टिवली बोला जा सकता है बीम, जो अभी हमने पढ़ लिया है। तो ये जो बीम ऑफ लाइट है इसमें जो तीन लाइट रेज दिखाई गई हैं ये तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, और क्योंकि ये प्लेन सरफेस से टकरा रही है जाके, प्लेन मिरर से टकरा रही है जाके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये तीनों रेज आपस में पैरेलल ही रहेंगे। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, बिफोर रिफ्लेक्शन तीनों पैरेलल हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी तीनों पैरेलल रहेंगे। तो इस तरह की जो रिफ्लेक्शन होगी वो होगी एक प्लेन सरफेस से। तो इस रिफ्लेक्शन को मैं बोलूँगा कि ये कौन सा रिफ्लेक्शन होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर मैं इन्हीं तीन रेज को इस पे इंसिडेंट करवाता हूँ, सपोज रे नंबर 1, 2, 3। अब यहाँ पर आप देखो, बिफोर रिफ्लेक्शन ऑल थ्री रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, बट इफ वी कंसीडर वेयर विल These rays go after reflection, तो ये इस तरह का एक inclined plane है, जैसा कि आप देख सकते हैं inclined plane है। यहाँ पर ये क्या था, एक parallel plane है, parallel plane से इस तरफ चली गई। क्या ये यहाँ से टकराने के बाद भी इधर जाएगी? नहीं जा सकती, ये यहाँ से जाने के बाद इस तरफ चली जाएगी। जो first ray है वो यहाँ जा रही है, और सेकेंड रे जो होगी वो, अब ये इंक्लाइन प्लेन कैसा है, ये इस तरह का बहुत कम इंक्लाइन है, तो ये इस तरफ चली जाएगी, ये सेकेंड रे इस तरफ चली गई, और ये थर्ड रे है ये इस तरफ जाएगी। तो ये जो रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो सरफेस यूज़ किया है, जो मिरर यूज़ किया है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस वाला मिरर नहीं है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये कैसी है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, इधर उधर फैल जाती है लाइट। आपको देखने में ये रिफ्लेक्शन अच्छी लग सकती है, इसको आप सोचोगे कि ये रिफ्लेक्शन का यूज़ क्या होगा, लेकिन आपकी जो डेली लाइफ है उसमें इसका यूज़ ज़्यादा होता है, इसका यूज़ आप इतना नहीं कर पाते हो। जब आप किसी मिरर में देखते हो, प्लेन मिरर में देखते हो, तब इस तरह की रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, लेकिन आप सारा दिन थोड़ा ना किसी मिरर में देखते हो, तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी का जो सरफेस है वो इस तरह का होता है, या इससे थोड़ा कम हो सकता है, प्लेन है लेकिन इतना बिल्कुल परफेक्टली प्लेन कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है अगर उसका यूज़ मुझे बताना हो कि वो यूज़ कहाँ होता है, तो अगर कहीं पर बल्ब लगा हुआ है, कोई एलईडी बल्ब या कोई दूसरा लैंप लगा हुआ है, और किसी दूसरे कॉर्नर में आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना हो, बल्ब लगा हुआ है इधर, लाइट उधर भी जा रही है, तो वो क्यों जाती है, क्योंकि आपके जो कमरे की दीवारें होती हैं, रूम की जो वॉल्स होती हैं, उनसे लाइट टकराने के बाद फैल जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज क्यों होगी, क्योंकि लाइट जो रेज हैं वो दीवार पे टकराएंगी। दीवार कैसी है, दीवार का सरफेस इस तरह का होता है, आप उसको टच करके भी देख सकते हो, ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ होता है, तो इस वजह से उस
उस केस में कैसे रिफ्लेक्शन होगी, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगी, और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन